मेरी मॉम बिहार से है, मेरे डैड बंगाल से है, मेरी नानी क्रिश्चियन है और मैं पैदा पंजाब में हुई थी और इसीलिए मैं अपने डैड को अप्पा बुलाती हूँ। Wait a minute, ये लॉजिक कहाँ से कहाँ बैठता है यार, मुझे नहीं पता। मेरी मम्मी बिहार से है और मेरे पापा बंगाल से कोलकाता और मेरा बॉर्न प्लेस पंजाब है और मेरी नानी क्रिश्चियन थी। अब देखो, इस वीडियो को देखने के बाद से कोई मुझे ये मत कहना कि मैं हाथ गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हूँ। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही करके जज करेंगे ना कि भाई जो कंटेंट वहां पे दिखाया जाता है और जो उसके ऑडियंस होते हैं वो तो अपने फोन के साथ में बाथरूम में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। सॉरी, इट्स अ पर्सनल थिंग, इस बारे में बात नहीं करूंगा मैं। भले से बिना जिम किए हुए मेरे बाइसेप आ गए हों और मेरी कलाई बहुत ही ज्यादा पतली हो गई हो, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग। देखिए, रीजन चाहे जो भी हो, मैडम आई थी लाइव और देखते ही मतलब मैं एकदम घुस पड़ा, एकदम से घुस पड़ा। और घुस करके मैं सोचा कि यार मैं अपने लिए कुछ कंटेंट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मैडम ने भर भर के कंटेंट दिया है। इनका कहना यह है कि ये जो वीडियो बनाती है ना, वो अपनी खुशी के लिए बनाती है, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो कि इनके कपड़ों पे कमेंट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इनके कपड़े के पहनावे से कोई लेना देना नहीं और ना ही मुझे इनके कैरेक्टर के ऊपर में कोई भी टिप्पणी करनी है। रीजन ये है कि जब मुझे अच्छे खासी चीज देखने को मिल रही है, सो व्हाई शुड आई, व्हाई 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 व्हाई। सो मैडम आई थी 28 तारीख को लाइव और आने के बाद में पता नहीं कौन सा भांग का नशा किया था इन्होंने, जो बार बार कह रही थी कल उनका बर्थडे है, 1 जुलाई को उनका बर्थडे है। साला, ये सुनने के बाद ये तो समझ में आ गया कि इनका कंटेंट में जो है ना दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं होता। इन्होंने ऐसी बातें करके तो प्रूफ कर दी है, यानी 28 जून का नेक्स्ट डे 1 जुलाई कैसे हो सकता है? अगर वो फरवरी होता तो भी मैं समझ सकता था, लेकिन कैसे? अब देखो, तुम लोगों को एक खास बात बता देता हूं, जो भी लोग इनके सपोर्ट में उतर करके कहते हैं ना कि दीदी बहुत अच्छी है, तो पहली बात, दीदी तो तुम बोलते ही नहीं हो। अगर दीदी बोलते हो तो उनका कंटेंट ऐसे झांक झांक के नहीं देख रहे होते। और जो भी लोग ये कंटेंट देख रहे ना भाई, वो इनको दीदी तो बिल्कुल भी नहीं बोलते, उनको कि कुछ और देखने को मिलेगा। हम लोग बस थंबनेल देखे और हवस के मारे घुस पड़े। सो इनके लाइव वीडियो में सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात अगर कुछ थी, तो जब मैं ज्वाइन किया तो उस वक्त में इनके व्यूअर्स थे कुछ 16,000 से भी ज्यादा। इनका जैसे ही बोला गया कि कुछ डांस वांस करके दिखाओ ना, मैडम ने बोला अगर देखना ही है तो जाकर के मेरा इंस्टाग्राम पे इतने सारे वीडियोस है वहां पे देख लो, मैं तो यहां पे बातचीत करने के लिए आई हूं। बस उसके बाद से जैसे शेयर मार्केट में एक गिरावट आती है ना, वैसे इनके ऑडियंस में बहुत बड़ी गिरावट आई। सीधा 16,000 से 10,000, 10,000 से 8,000 से 7,000 से 6,000, और 6,000 ऑडियंस वो थी जो कि बार बार ये कह रही थी कि बताओ ना आपके फिटनेस का राज क्या है। कुछ लोगों ने तो सीधा कहा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और दीदी का एक्सप्रेशन, शुक्र है साइड में दीवार था वरना दीदी गिर गई होती। उसके बाद से कुछ लोगों ने कहा कि क्या तुम मेरी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, कुछ ने बोला आई लव यू, तो इससे पूछा गया क्या आपका कोई क्रश है, इन्होंने बोला कि भाई कॉलेज टाइम पे इनका कोई क्रश था और इसके पीछे पीछे ये घूमती थी लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाई। और जब तक इस मैडम का कहने का मन हुआ, उस वक्त जाके पता चला कि वो बंदा इसको भाव ही नहीं देता, वो किसी और को भाव देता है भाई, जिसके पीछे में तुम आज अपना हाथ गाड़ी दौड़ाए जा रहे हो भाई, उसको कभी कोई भाव भी नहीं दे रहा था। एंड ट्रस्ट मी, इस तरह की लड़कियों का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा है। ये लोग वही होती है जो किसी और के धक्के खाने के बाद में कहती है अब मैं बदल कर दिखाऊंगी। कुछ लोग सुधर जाते हैं, कुछ लोग और खूबसूरती बढ़ाते हैं, पर कुछ लोग जो है सीधा अपने ऊपर के 3 बटन खोल डालती हैं और फिर बोलती है अब देखती हूँ दुनिया कैसे मेरे पीछे नहीं भागती। ए, मैं कपड़े के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट द हॉटनेस, द सिजलिंग, द सेक्सी। इससे ज्यादा तारीफ और नहीं कर सकता। उसके से जैसे से लाइव सेशन आगे बढ़ता गया तो लोगों ने सवाल किया आप मुंबई क्यों नहीं आती, तो उस वक्त मैं कहती है मुंबई से मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, वहां पे कह रहे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करना है। और तो और सबसे पहली बात, प्रोजेक्ट छोड़ो यार, इनको बॉलीवुड की तरफ से बुलावा आ रहा है। अरे माता श्री, बॉलीवुड वैसे ही खड्डे में जा रहा है और आपको बुलाया जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, बॉलीवुड का शटर डाउन। क्या करके मानना चाहती है ये सोफा सेट? देखो, सोफा सेट इसलिए कहा क्योंकि सब कुछ नरम नरम है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है यार ये, लेकिन इतनी भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं। मैडम ने एक पे केस कर दिया था, अपने फेक मैनेजर को उसके पीछे लगवा दिया था। पहले तो बहुत काम 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 होकर के बात किया इन लोगों ने, उसके ऐसे सीधा तू तड़ाक पे। ए, तो मैडम ने बताया बॉलीवुड से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, उनके साथ में सभी लोग काम करने के लिए मरे जा रहे। अरे यार, जहां पे हमारी टीवी सीरियल की जो एकता है, जो कभी भी एकता पे बिलीव नहीं करती, वो लड़की तो छोड़ो यार, लड़कों को भी नहीं छोड़ती। जब तक वो लड़का 2-3 धक्के ना दे अच्छे से, तब तक उसको कोई रोल नहीं मिलता। और मैडम को ऐसे ही बॉलीवुड में रोल मिल जाएगा, ऐसे ही। तुम लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ ना। और जिस भी चादर मोड़ ने यहाँ पे आकर के गाली दिया कि सोफा सेट के बारे में इतना बुरा क्यों बोला, देखो सोफा सेट के ऊपर में लोग खड़े होकर कूदते भी हैं, मैं सिर्फ बैठ रहा हूँ, वो भी तमीज से।
तो बैठने दो, पिछवाड़े में कोई पिन मत घुसेड़ो। आपको पता है मैडम गुजरात में बैठे बैठे उनको सही सा नेट कनेक्शन नहीं मिल रहा, यानी समझो हमारे पीएम साहब का मेन होम टाउन में रहकर भी इनको एक अच्छा इंटरनेट नहीं मिल रहा है, या फिर पता नहीं इनके जो टैलेंट दिखाने के बाद में पैसे आते वो इतने भी नहीं आते कि भाई एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ले ले। हम गरीबों का समझ में आता है कि हम ऐसे जगह पे रहते हैं कि जहां पे कभी लाइट चली जाती है, कभी नेट नहीं आता, कभी तो साला पानी इतना भर जाता है कि गले तक स्विमिंग पूल बन गया होता हमारा जगह। लेकिन इन मैडम का वीडियो देख करके आपको लगता है कि इनको किसी भी तरह की कमी हो सकती है? एंड देखो वीडियो को एंड करने से पहले मेरी बस एक विचारधारा है कि जो लड़का सीधा आकर के आपको प्रपोज करे ना, उसका मतलब होता है कि वो प्यार करता है। प्यार में कुछ आयाम होते हैं, उस आयाम को पार करने के बाद वहां तक जो कि दोनों की मर्जी के साथ में बड़े प्यार से आगे होने वाला है। लेकिन मैं उन चादर मोड़ों की बात कर रहा हूं जो सीधा जाकर के शादी का प्रपोजल मार देते हैं। मतलब समझ रहे हो, शादी का पहला स्टेप क्या होता है और आपको इतनी ज्यादा पसंद है कि समझो कि आप सीधा उस फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते हो। कोई प्रपोज करे डेट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोई शादी का प्रपोजल डाले डेट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। पता नहीं साला ये भंड ज्ञान कहां से दिमाग में आया, बस पेल दिया। पता नहीं इसमें कोई लॉजिक है भी या नहीं, आप लोगों को कुछ लॉजिक लगता है क्या कमेंट सेक्शन पे बताओ। सो दैट्स इट गाइज, और प्लीज यार सोफा सेट मुझ पे कोई केस मत कर देना, कोई वकील या फिर कोई मैनेजर मेरे पिछवाड़े में मत लगा देना, क्योंकि मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं किसी से बात कर पाऊं। पता है मैं इंटरनेट पे वाईफाई पे कॉल करता हूं, मेरे पास कॉल करने के भी पैसे नहीं है। तो प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना। एंड गाइज इट वॉज जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर द फन, और इसको यार कोई भी सीरियसली मत लेना, अपने दिल दिमाग गुर्दा और कहीं पे भी मत लेना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे यार मुझे बहुत दुख होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन एंड हास्ता ला विस्ता, आई लव यू।